टेस्टी डिश भी बनती है ना इस खिला को, वो सबसे पहले उसका ड्रिंक बनता है। तो अगर मोरिंगा और मिंट के दोनों पत्ते बराबर ले लिए जाए और उसके अंदर पिंच ऑफ साल्ट एंड पिंच ऑफ जो ब्लैक पेपर है वो ऐड करके उसका ड्रिंक बना लिया जाए, दैट्स वंडरफुल। और फ्रेश जो मोरिंगा की और मिंट के पत्तों का जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, मेडिसिन वैल्यू, वो सब इसके अंदर आ जाता है। ये पॉपुलर करने की जरूरत है कि बजाय कि आप पूरे केमिकल वाले जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो या जूसेस लें, उसके बजाय मोरिंगा ड्रिंक लें। ये मोरिंगा ड्रिंक एक आइडियल है। दूसरा है कि मोरिंगा के पत्तों की जो चाय है वो बड़ी आइडियल है कि वो उसके अंदर ऐसे कंपाउंड्स आते हैं जो कि आपको सुकून भी देते हैं, डिप्रेशन भी दूर करते हैं और आप आर्थराइटिस के लिए भी ठीक है। दूसरी चीज़ जो खाने वाली चीज़ें हैं उसके अंदर जो आप शामिल कर सकते हैं कि जैसे दाल है, दाल के अंदर जो मोरिंगा के पत्ते हैं वो यूज़ हो सकते हैं। इसके उसके अलावा फिर जो हमारा सैलड है उसके अंदर यूज़ हो सकते हैं। जो हम ग्रीन चीज़ पकाते हैं जैसे पालक पकाते हैं, मेथी और इसी तरह साग वगैरह सारा पकाते हैं, उनके अंदर जो डिफरेंट हम लीव्स यूज़ करते हैं उसके साथ हम मुर्गा के पत्ते भी ऐड कर सकते हैं। फिर जैसे पालक गोश्त बनाते हैं इस तरह मुर्गा गोश्त भी बन जाता है। श्रीलंका के अंदर कोकोनट के साथ मुर्गा के पत्ते पकाए जाते हैं और वो उनका उनकी हाई लजीज डिश है। कि हमें रेसिपीज को थोड़ा प्ले करना पड़ेगा और मुर्गा के पत्तों का हम ले के आ सकते हैं। मुर्गा की फ्लावर की भी डिश बनती है। मुर्गा की जो रूट है, जड़ है, उसका आप पराठा भी बन सकते हैं और वो अचार भी बनता है। और उसके छोटे छोटे जो स्लाइसेस है उन स्लाइसेस को आप, वो इतना ही लजीज है, उनको हल्का सा फ्राई करके आप किसी भी डिश के साथ, स्टिर फ्राई वेजिटेबल के साथ भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा फिर मुर्गा के जो फलियाँ, छोटी फलियाँ जैसे वो मोगरे की साइज की फलियाँ होती हैं, वो इंतहाई लजीज बनती हैं। जैसे हमारे मोगरे पकते हैं या दूसरी ग्रीन बीन्स पकती हैं या फलियाँ पकती हैं लोबिया की, इस तरह वो भी पक सकती हैं। तो इस तरह ये हमारी जो लोकल डिश है उनके अंदर ये एडजस्ट हो सकती है, लेकिन उन्हें पॉपुलर करना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है किसी के साथ मिलके, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन या कोई इस टाइप की चीज, यानी कि पालक के साथ उसमें आयरन है और इसमें कोई ऐसा केमिकल इम्बैलेंस ना हो, इसलिए कि लेमन के लिए एक नई चीज है तो वो इससे थोड़ा सा हम लोग परेड होते हैं या हमारा मतलब जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है वो इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो क्या इससे कोई इसके साथ मिलकर कोई चीज़ साइड इफेक्ट? अभी हमने एक स्टडी करवाई है टॉक्सिसिटी के ऊपर ना, कि कितनी क्वांटिटी जो मिलेगा कि वो टॉक्सिक हो सकती है बॉडी के लिए, तो उसकी टॉक्सिक लेवल आइडेंटिफाई नहीं हुआ। ये सेफ है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाएंगे तो थोड़ी सी डाइजेशन भी हो सकती है। वो भी सिर्फ ये कि अगर सिर्फ उसे मुरिंगा के ऊपर फिट करती है तो मुरिंगा ये ताई सेफ है। इसके अंदर सिर्फ एक कंपाउंड आज तक आइडेंटिफाई हुआ जिसका नाम है मुरिंगन, वो फिनोले कंपाउंड।